झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर की। दुनिया के कई देशों में भारतीय गेहूं की मांग बढ़ी है। दुनिया भर में बदले हालात, खपत, भारत की विदेश नीति के चलते दुनिया के कई देशों में भारतीय गेहूं अपनी जगह बनाने में सफल रहा है। इस वजह से एक साल के अंदर ही भारतीय गेहूं के निर्यात में 3.5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इससे एक तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ गेहूं उगाने वाले देश के किसानों को भी इसका फायदा हुआ है। गेहूं के निर्यात में बढ़ोतरी से संबंधित जानकारी वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है। इस साल 50 लाख मिलिट्री टन से अधिक गेहूं का निर्यात किया गया है। बता दें, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की तरफ से लोकसभा में गेहूं निर्यात को लेकर प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार इस साल बीते साल की तुलना में 50 लाख मिलिट्रिक टन गेहूं का निर्यात अधिक हुआ है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में देश से कुल 2155 यानी कि 2155 लाख मिलिट्रिक टन गेहूं निर्यात किया गया था, जिसका बाजार भाव $567.83 मिलियन था। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में देश से 70.35 लाख मिलिट्रिक टन गेहूं निर्यात किया गया है, जिसका बाजार भाव 2035 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल की तरफ से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक गेहूं सहित सभी कई कारकों पर निर्भर है, जिसमें घरेलू उत्पादन और खपत, वैश्विक परिदृश्य और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण जैसे विभिन्न कारक शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश व्यापार नीति के अनुसार गेहूं का निर्यात मुक्त श्रेणी के अंतर्गत है और इसलिए इसके निर्यात के लिए भारत सरकार से किसी लाइसेंस या प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के मुताबिक निर्यातकों ने बढ़ती वैश्विक मांग को देखते हुए गेहूं का निर्यात किया है। उन्होंने कहा कि सरकार योग्य देशों को मानवीय सहायता के रूप में गेहूं का निर्यात नहीं करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि गेहूं सहित सभी वस्तुओं के निर्यात के लिए कई कारक महत्वपूर्ण है। ऐसे में आगामी रबी सीजन में निर्यात के लिए सरप्लस की मात्रा निर्धारित करना मुश्किल है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी खबर और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।